लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, वो है बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 के बाद ये, यानी अनुच्छेद 22 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में के बिना किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। गोपालन के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि विधानमंडल को विधि निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता है, वह विधि पारित करके प्रक्रिया विहित कर सकता है, जिसके अनुसार व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अनुच्छेद 22 उन प्रक्रियात्मक शर्तों को विहित करता है जिसका विधानमंडल द्वारा विहित किसी प्रक्रिया में होना आवश्यक है। यदि इन प्रक्रियात्मक शर्तों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा सकता है किया गया तो किसी व्यक्ति को उनकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं माना जाएगा और उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। वस्तुतः अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है और दोनों एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 अपने आप पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 22 के अधीन पारित अनुच्छेद 21 से विहित युक्त है और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर जांचा जाएगा। मेनका गांधी के मामले में गोपालन के निश्चय को उलट दिया गया और निर्णय दिया गया कि विधि और प्रक्रिया युक्त, उचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार निवारक निरोध विधियों को अब दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला अनुच्छेद 22 का 5 का पहला और का 5 का अनुपालन और दूसरा अनुच्छेद 21 के अधीन प्रक्रिया का युक्त उचित होना। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारियां दो प्रकार से हो सकती हैं, समान दंड विधि के अधीन यानी पुनिमेटिव और निवारक निरोधी विधि के अधीन। अनुच्छेद 22 के खंड 1 के सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारियों से संबंधित है और उस प्रक्रिया को विहित करते हैं जिसका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना चाहिए। खंड 3, खंड 4, 5, 6, 7 निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित है और उस प्रक्रिया को विहित करते हैं जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारियों के संरक्षण, अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। देखिए, बहुत आप ध्यान से इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा तो इससे आपको बड़ी जानकारियां हासिल होंगी, बहुत ज़्यादा आपको मालूम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार है, यानी गिरफ्तारी यानी किसी को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये जरूर बताना है कि हाँ आपको किस लिए आपको गिरफ्तार किया गया। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करना बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार मिलेगा। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता है। उक्त संरचनाओं का उल्लंघन गिरफ्तारी को असंवैधानिक बना देता है। अब अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 प्रदत्त चारों अधिकारों, 1 किसी विदेशी शत्रु को और 2 निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, पहला जो है गिरफ्तारी के जानने का अधिकार, जो मैंने भी टॉपिक बताया था, तो बिना गिरफ्तारी के कारण को जानते हुए कोई भी निरुद्ध व्यक्ति अपने बचाव में अच्छी तरह से तर्क नहीं पेश कर पाएगा, यानी उसको वो इस अधिकार के तहत पूछ सकता है कि हाँ हमें किस वजह से गिरफ्तार किया, हमारा जुर्म क्या था, ये सारी चीज़ें पूछ कर वो बात कर सकता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारों निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराने का आदेश देता है। निरुद्ध व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। पहला मध्य प्रदेश राज्य बनाम यानी जो शोभा राम AIR 1966 SC 110 के मामले में बात हुई थी, यदि गिरफ्तारी कारणों को विलंब से दिया जाता है तो उसे पर्याप्त कारण देना होगा। अगर यानी जो गिरफ्तारी की हुई है उसमें उसे पर्याप्त जो है कारण देना होगा। पहला ताराबाद बनाम पश्चिम बंगाल आज AIR 1951 SC 174 के मामले में। अब इसका जो पहला पॉइंट था गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, दूसरा है रुचि के वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार,
प्रत्येक व्यक्ति कानून की बारीकियों से अवगत नहीं होता है, इसलिए संविधान उसे अपनी रुचि से वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार प्राप्त करता है। अमेरिका में स्थिति यह है कि निरुद्ध व्यक्ति इन्हीं कारणों से वकील नियुक्त करने में असमर्थ है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उसके लिए वकील नियुक्त करे। यानी ये पावेल बनाम अल्बामा 287 US 45 के मामले में। भारत में अभी तक कोई ऐसी विधि बाध्यता नहीं मानी जाती थी और विधिक सहायता तभी प्रदान की जाती थी जब प्रत्यार्थी उसके लिए आवेदन दे। यानी चौथा मामला मध्य प्रदेश राज्य बनाम शोभाराम AIR 1964 SC 110 के मामले में। किंतु मेनका गांधी के मामले में दिए गए निर्णय और उसके अनुसरण करने हेतु उसके निर्णयों के परिणाम से स्थित यह है कि अब साधारण विधियों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा विधिक सहायता प्रदान किया जाना एक विधिक बाध्यता हो गई है। हुसनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य यानी जो AIR 1979 और SC 1370 के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक सिद्ध दोष व्यक्ति को निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए अभिवक्ता नहीं नियुक्त कर सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि उक्त परिस्थितियों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण परीक्षण ट्रायल अवैध माना जाएगा। मुंबई आतंकी हमले में जो एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक था को उसकी गिरफ्तारी के समय एक वकील देने का प्रस्ताव किया गया, किंतु उससे इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय वकील की सेवा लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया और यह निवेदन किया उसे कि उसके देश का उसे वकील दिया जाए। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके देश से इस प्रकार कोई मदद नहीं जाए तो उसके द्वारा वकील की मांग की गई और तुरंत पूरा किया गया। यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त से किसी संवैधानिक अधिकारों की अति उल्लंघना हुआ होगा। ये मोहम्मद अजमल और मोहम्मद अमीर कसावूर अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र अजय 2012 SC 3565 के मामले में। फिर यह अधिकार अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम बार उपस्थित किए जाने के संबंध में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का या आत्म अभिशमन के विरुद्ध अधिकार अभियुक्त को पढ़कर नहीं सुनाए जाते हैं या पूर्ण या असंवैधानिक नहीं किया जाता। अभियुक्त को आरंभ में दावे की धारा 100 दंड प्रक्रिया यानी भारतीय दंड संहिता जो है 100 धारा 164 के अधीन उसकी संस्वीकृति अभिलेखी किए जाने के पूर्व विधिक सहायता प्रदान करने में कोई भी विफलता विचारण को असंवैधानिक नहीं करेगी। अपराध विधि का उद्देश्य सत्य का पता लगाना है, ना कि अभियुक्त को गलत कार्य के लिए बचाना है। यदि यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए जाने गए व्यक्ति को अपने विकल्प के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 300 धारा 304 के निबंधों के अनुसार विचार आरंभ होने के समय ही उपबंध होता है तो संविधान तथा संवैधानिक प्रावधानों का गलत तथा अभियुक्त और अवरोधक अंतर्वर्णन होगा। उसे वकील की आवश्यकता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम बार उपस्थित कराने के समय होगी। जब मजिस्ट्रेट का कर्तव्य वह बाध्यता है कि उसके समक्ष अभियुक्त को उपस्थित किया जाए और उसे पूरी जानकारी दी जाए और उसके विकल्प के वकील के परामर्श करें और प्रतीक्षा करें। यदि उसके पास अपने विकल्प का वकील करने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसे राज्य के खर्चे पर उपलब्ध वकील कराया जाएगा। इस अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के समय वकील उपस्थित होने की स्वीकृति या अनुज्ञा दी जाए। यानी ये कब हुआ? मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाफ उर्फ अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र अजय 2012 और SC 3565 के मामले में। फिर हम तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय निकालकर 24 घंटे के भीतर किसी निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। इसका उद्देश्य बंदी व्यक्ति को शीघ्र अपनी रिहाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। यदि गिरफ्तारी प्रारंभ से ही अवैध है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। यानी ये कब? गणपति केशव राज बनाम नफीसुल हुसैन AIR 1954 SC 636 के मामले में। चौथा पॉइंट, 24 घंटे से अधिक निरोध मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन हो सकता है। यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरोध करने की आवश्यकता है तो उसके लिए
मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है। दोनों में अंतर यह है कि पहले उसे निरुद्ध पुलिस की हिरासत में रहता है और दूसरे में न्यायालय में हिरासत। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 22(1)(2) दंडात्मक विधियों के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका संरक्षण उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जिनके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगाया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 22(1)(2) उद्देश्य कार्यपालिका दूसरे न्यायत्व प्राधिकारी के कार्य विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। इसका संरक्षण उन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है जिनको न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, क्योंकि वारंट के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के पहले उसके कारण को बता दिया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे, इसमें एक केस को लेकर देखेंगे और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। पंजाब राज बनाम अजब सिंह के मामले में, यानी ये कब हुआ, AIR 1953 SC 10 के मामले में, वह अपहृत व्यक्ति उदार और प्रत्यावर्तन था। अधिनियम को विधिमान घोषित किया गया और कहा कि उक्त अधिनियम के अनुसार अपहृत व्यक्ति का उद्धार करने के लिए पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर निकट कार्यभारी अधिकारियों को हिरासत में लेना अनुच्छेद 22(1) के अर्थागत अंतर्गत गिरफ्तारी का निषेध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय कोई अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया था। इस प्रकार एक दूसरे निर्णय में जो हुआ, राम बहादुर बनाम लीगल रिमेम्बर्सलार AIR 1953 कलकत्ता 522 पुरुषोत्तम बनाम B.S. देसाई AIR 1956 SC 20 बंगाल अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अंतर्गत एक वैश्यालय में एक वयस्क लड़के हटाना अनुच्छेद 22(1) अंतर्गत गिरफ्तारी का और निरोध नहीं माना जाता है। अब कुछ चीज़ें बात है कि अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी अवैध जो गिरफ्तारियां होती हैं, गलत तरीके से गिरफ्तारी होती, उसमें हम संरक्षण कैसे प्रदान करें अपने आप को संरक्षित कैसे करें। तो अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, यानी 1994 SCC 260 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अवैध मनमानी गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान किया जा सके। न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति को केवल किसी अपराधी या सहभागी होने की शंका मात्र के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता तो उसके विचार में उसका युक्त औचित्य हो। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। आयोग ने अनुसार 60% गिरफ्तारियां या तो अनावश्यक होती हैं या अवैध होती हैं। न्यायालय ने इसके लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है जिनका पालन पुलिस को करना पड़ेगा। पुलिस को तो पहला पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि वह प्रार्थना करे कि उसके एक मित्र संबंधी या अन्य व्यक्ति को यह वह जानता है या उसे कल्याण में दिलचस्पी हो सकती है यथासंभव उसकी गिरफ्तारी के और गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में उसे सूचित करे। दूसरा पॉइंट, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाए तो इस अधिकारी के संबंध में उसे बताया जाए। तीसरा पॉइंट, पुलिस डायरी के इस संबंध में प्रवेश करना आवश्यक है। गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई है, उपयुक्त सूचनाएं असुरक्षाएं अनुच्छेद 21 और 22 का के अंतर्गत हैं। न्यायालय ने सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने का सुनिश्चित करें, उपयुक्त उपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा सिद्धांतों को सामान्य विधि में शीघ्र समाविष्ट कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह निर्णय यह स्पष्ट किया कि उपयुक्त अपेक्षाएं रिक्वायरमेंट सर्वांगीण यानी इनहेस्टिव नहीं है, अर्थात इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि जब तक इन सब को अधिनियम में समाविष्ट नहीं कर दिया जाता है, सभी गिरफ्तारी के संबंध में उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाएगा। उपयुक्त अपेक्षाएँ पुलिस मैनुअल में वर्णित अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी। उच्चतम न्यायालय का प्रस्तुत निर्णय निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अवैध और मनमानी तरीके से गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करेगा और मानव अधिकार के संरक्षण करेगा। अपवाद, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 22(3) खंड 1-2 में दो अपवाद हैं। उक्त खंडों के अधीन प्राप्त अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों और निवारक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को बंद नहीं है। शत्रु देश का व्यक्ति अनुच्छेद 22(4) और 5 के अधीन संरक्षण का दावा कर सकता है यदि उसे निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है, किंतु उसके उक्त अधिकार संसद द्वारा पारित विधि के अधीन होंगे। इसके बाद निवारक निरोध विधियां
अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 के किसी विधि को निवारक निरोध के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी के से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध पदावली की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। निवारक शब्द दंडात्मक शब्द का विलोम है। निवारक गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। दंडात्मक गिरफ्तारी निरुद्ध व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु निवारक बंदीकरण का उद्देश्य दंड देना नहीं और अपराध करने से रोकना है। निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। इसमें निरुद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता और यह एक एहतियाती कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। इसमें व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर निवारक निरोध विधि की आवश्यकता। निवारक निरोध विधि जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना है। विश्व के किसी भी जनतांत्रिक देश में ऐसे कानून संविधान के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में कोई ऐसा कानून नहीं है जो शांतिकाल में निवारक निरोध का उपबंध करता है। अमेरिका में आपातकाल में फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950 के अधीन निवारक निरोध का उपबंध किया गया। इंग्लैंड में प्रथम महायुद्ध के दौरान डिफेंस ऑफ रियम्स एक्ट 1934 और द्वितीय महायुद्ध काल में एमरजेंसी पावर डिफेंस एक्ट 1939 अधिनियम पारित किए गए थे जो निवारक निरोध का उपबंध करते हैं। लिवरसिस बनाम एंडरसन 1942 एससी 208 रेक्स बनाम हैलिंड 1917 एससी 260 के मामले में उक्त अधिनियमों को वैध घोषित करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसमें उनके औचित्य में निम्न मत व्यक्त किया है। प्रजा की स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ सीमा तक कानून बनाकर उनका बलिदान किया जा सकता है, जैसे देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। भारत में निवारक निरोध विधि संविधान का अंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह संविधान का अंग नहीं है। यह पृथक अधिनियम द्वारा केवल आपातकाल के लिए ऐसी विधियों की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, अमेरिका में ऐसे विधियों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है और ऐसे समय में निरुद्ध व्यक्ति को अधिवक्ता की सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। इंग्लैंड में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बात करी। अब इसके बाद जो मैं बात करूँगा निवारक निरोध अधिनियम, कल मैं इस टॉपिक अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। थोड़ा सा आप लोग बड़ा ध्यान से सुने, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।